भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला कर दिया है। जी हाँ, इसे हम खेला ही कहेंगे, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी अन्य छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ने की फिराक में है, बीजेपी ने उसी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के घर में सेंध लगा दी है। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल कर राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल पैदा कर दी जब चुनाव बेहद नजदीक हैं और बीजेपी के कई बड़े चेहरे पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। दरअसल बुधवार को दिन निकलते ही बीजेपी ने सपा को बड़ा जोर का झटका दे दिया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा यादव ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुलायम सिंह की पुत्रवधू होने के बावजूद भी अपर्णा यादव ने अपने विचार रखे। काफी दिनों की चर्चा के बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मैं अपर्णा यादव का हृदय से स्वागत करता हूं। पश्चिम यूपी में चुनाव होने वाला है और सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई बेटी सुरक्षित नहीं थी। अपर्णा को शुरुआत से लगता था कि योगी के शासन में एक अच्छा सुशासन है,